फाइनली गाइस हम लैंड कर चुके हैं। ये स्टैम्प आपको लगेगी, बर्फ जो आप लाइव यहाँ पे पड़ी है। शिगारा राइड करके हम जा रहे हैं बोट हाउस। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं पूरी आपको एक जो जर्नी थी उसकी टैली कराऊंगा, एक एक चीज़ उसमें बताऊंगा डिटेल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं श्रीनगर। और अभी मैं हूँ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और टाइम हो चुका है लगभग 12 बज चुके हैं और हमारी यहाँ से फ्लाइट है 1 बजे के अराउंड। और तो पहले फ्लाइट जा रही है हमारी दिल्ली और दिल्ली से हम जा रहे हैं श्रीनगर। तो चलिए फाइनली अब हम फ्लाइट ले रहे हैं। अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी श्रीनगर के लिए, तो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर, तो ये हमारी फ्लाइट। फाइनली मैं टर्मिनल 3 में पहुंच चुका हूं। अब यहां से मेरी फ्लाइट है श्रीनगर के लिए और श्रीनगर हम पहुंच जाएंगे लगभग 6 बजे के आसपास। अभी हाफ एन आवर बाद मेरी फ्लाइट है तो श्रीनगर। अभी कुछ पेट पूजा हो जाए, खाना खाने के लिए मैं फूड कोर्ट में आया हूं ऊपर। उसके बाद सीधा ही हम जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेके अंदर, फिर मिलते हैं आपको श्रीनगर में। तो
तो फाइनली गाइस हम लैंड कर चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे और अब हम करेंगे चेक इन। इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं पूरी आपको एक सारी जो जर्नी थी उसकी टैली कराऊंगा, एक एक चीज़ उसमें बताऊंगा डिटेल में। और इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। अभी हम करने वाले हैं यहाँ से होटल के लिए टैक्सी और फिर मैं आपको रूम में जाके काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी बातें बताऊँगा। अब तक के लिए स्टे विद मी। श्रीनगर में लैंड होती सारी स्टैंप लगवानी बहुत ज़रूरी है आपको। तो यहाँ से मैंने टैक्सी की है और अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 7 श्रीनगर। और आप देख सकते हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर निकलती है बर्फ जो आप लाइव यहाँ पे पड़ी है। और अब हम जा रहे हैं डल लेक के पास जहाँ हमारा होटल है। और हाउस बोट है एयरपोर्ट से टैक्सी करके मैं आ गया हूँ गेट नंबर 7 और यहाँ से हम शिकारा राइड करके बोट हाउस जाएंगे। शक्ल ही नहीं दिख रही। तो गाइज हम जा रहे हैं बोट हाउस, इसको क्या बोलते हैं शिकारा राइड करके हम जा रहे हैं बोट हाउस जो हमने एयरबीएनबी से बुक किया है। बुकिंग की डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, सारी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ ये है सीटिंग एरिया बैठने का। और बोट से हम आए हैं यहाँ पे, बोट को शिकारा बोलते हैं। शिकारा राइड करके हम गेट नंबर 7 से आए हैं यहाँ से, और यहाँ से आए हैं ये है इसकी एंट्री हमारे बोट हाउस की। और ये है हमारा रूम, आप देख सकते हैं बड़ा डिसेंट और बड़ा प्यारा सा रूम है। और ये लगा हुआ है यहाँ पे बेड, ये जो नीचे बेड लगा हुआ है इसमें है हीटर, इनबिल्ट हीटर है इस गद्दे में। और ये अभी इलेक्ट्रिक गद्दा है, इसको जब ऑन करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। और ये है जी वॉशरूम, ये वॉश बेसिन, यहाँ पे ब्रश कर सकते हैं आप, टॉयलेट सीट। और ये बाथटब, यहाँ नहा सकते हैं, बड़ा प्यारा सा वॉशरूम है। तो इतना लग्जरी नहीं है पर जितना है बहुत बढ़िया है, डिसेंट है। ये मुझे मिला है सिर्फ 800 रुपीज़ पर नाइट में इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बहुत ही चीप एंड बेस्ट मिला है मुझे। इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा और कॉफ़ी, थोड़ी देर में कॉफ़ी और पिज़्ज़ा आ रहा है, उसके बाद मैं करूँगा रेस्ट और इस ब्लॉग को मैं थोड़ी देर में एंड करूंगा। बट उससे पहले मैं काफ़ी सारी डिटेल्स आपको बता देता हूं। बोट हाउस में आने के बाद मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, ये स्मोकिंग हॉट्स गेट नंबर 7 के पास से पिज़्ज़ा ऑर्डर हो जाता है। इसका मेन्यू, इसका फ़ोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही यमी पिज़्ज़ा है, 300 के आसपास मुझे पड़ा। तो जब भी आप बोट हाउस में रुकें तो आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में मेरे लिए आ रहा है कावा, जो यहाँ के ऑनर हैं वो उनकी तरफ से ही कावा मैं पहली बार पी रहा हूँ, देखते हैं कावा कैसा होता है। तो गाइस मैं पी रहा हूँ कश्मीरी कावा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो आपको ठंड से, कफ से, कुछ भी आपको सर्दी जुकाम है तो आप उससे आपको बचाता है। तो कावा मैं अपने साथ भी लेके जाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए भी। और यहाँ के जो सबसे फेमस ड्रिंक्स हैं उनमें, हॉट ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये 30 रुपीज़ का है मुझे यहाँ जो मिला है यहाँ से, तो ये आप जरूर एक बार ट्राई करें। तो कावा पीने के बाद अब टाइम हो गया है सोने का, ताकि कल मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे घूमना शुरू किया जाए और आपको एक एक करके व्लॉग्स श्रीनगर की पूरी सीरीज हम देते रहेंगे। एंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं मॉर्निंग में लगभग 10-11 बजे घर से चला था चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली की। और जो मैंने फ़्लाइट्स बुक की है वो मैंने बुक की है मेक माई ट्रिप से, 5000 में मेरी फ़्लाइट्स हुई हैं अप एंड डाउन की। और लगभग 1 बजे के आसपास मैंने फ़्लाइट ली थी
दिल्ली के लिए, दिल्ली से फिर मेरी फ्लाइट थी 4 बजे, 4:50 पे, मतलब लगभग 5 बजे, 5 बजे से फिर 1 घंटे के अंदर अंदर मैं श्रीनगर पहुंच गया था। श्रीनगर से मैंने टैक्सी ली थी, 800 रुपये की टैक्सी। फिर मैंने डल लेक में ही बोट हाउस बुक किया एयरबीएनबी से, वो भी मैंने 850 के आसपास में किया, और अभी मैं उसी बोट हाउस में हूँ। बोट हाउस आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि बहुत अच्छा बोट हाउस है। यहाँ पे मैंने कावा पिया है, कॉफ़ी चाय सब अवेलेबल है यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं। चाय का रेट 20 रुपये है, कॉफ़ी का 40 रुपये, कावा का 30 रुपये, और पिज़्ज़ा अगर कुछ मंगवाना है तो उसका मेन्यू यहाँ पड़ा हुआ है, आप मंगवा सकते हैं। और कल हम घूमने जा रहे हैं, उसका सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। आई होप आपने ये चंडीगढ़ टू श्रीनगर की जर्नी एंजॉय की होगी। वेब चेक इन क्या होता है और फर्स्ट फ्लाइट कैसे लें, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कश्मीर में है तो खैर, आमीन, गुड नाइट।